ये देखो मैं नीचे आ रहा घर में, तो लगे सब कुछ खास आ गया आवाज से मतलब चलने की। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 14 नवंबर और आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। सो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और घर के अंदर रहिए, एंजॉय करिए। ये देखो बम फूटने लग गया। अब देखो ये और बैंड दिल्ली में ये दिखा रहा था मैं आप सबको, बता रहा था ना कल। ये देखो शुरू हो गया, शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5 से 5:30 बज रहे हैं और अभी से स्टार्ट हो गया बम 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 बम। बस अभी दिखना थोड़ी देर बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो अभी दिख रहा वेदर, देख लो एक बार भैया तुमको, कल देखना, कल जो दिखाऊंगा तुम्हें कैसा हो रखा होगा, पूरा धुंध 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 स्टार्ट हो जाएगी कल से, फॉग बिल्कुल ही ठीक है। वो वाला कुछ और ही फॉग हुई किस चीज़ की, धुएं की, देख लेना पक्का। और यार सुबह से इतनी मिठाइयाँ मैंने पाड़ दी, इतनी मिठाइयाँ पाड़ दी भैया मैंने फटाफट, दिन के टाइम बस लास्ट खाई मिठाई, उसके बाद से मैंने बोला भैया अभी नहीं खानी, खाना होगा तो रात को शायद खाऊंगा, और कल या परसों से मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अभी जिम भी नहीं जा रहा था, तो जिम के वजह से मैं खा रहा था कि चलो जिम अभी जाने रहा तो मीठा खा ले, तो कोई नहीं मीठे के बिना मैं नहीं रह पाता, तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा आज कल छोड़ के, देख तो मेरा मन करा तो ठीक है। तो चलता हूँ नीचे, दीदी तो होगी रेडी, मेरे क्या हो रहा है, मैं अभी बस नहा धो दूंगा, कुछ भी पहन लूँगा कपड़े कपड़े, बस देखते रहना वीडियो ठीक है। तो यार सबसे पहले जाके तो नहा धो लेता हूँ ठीक है, तो मिलता हूँ आप सबसे थोड़ी देर। सो यार नहा धो के तो मैं आ गया, और फटाफट पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा सामान लाने के लिए, कुछ बोल रहा है पापा ने तो सामान लेके आता हूँ, उससे पहले जरा पूजा कर लेता हूँ, मिलते हैं। जली आपने क्यों करते हैं? सूत हो जाता है। मतलब कैसे सूत होता है? ये पानी से, सरसों के पानी से है? ये पूरे घर में करना चाहिए। कहते हैं इसको कि तेल के उसमें रखना चाहिए है? जो कटोरी मतलब तिल के ऊपर रखना चाहिए शंकर। तो भैया अभी जो पंडित जी एक बार आए थे तो पंडित जी ने भी बताया था कि जब भी तुम शंख रख रहे हो शंख के नीचे ना तिल होना चाहिए, तुमने तभी एक बाउल जैसे एक लिया कटोरी जैसा, उसी में तिल तो तिल के ऊपर रखना शंख, हमेशा शंख का यूज करते हो ठीक है। काफी बंदे कह रहे होंगे कि मैं आज ही आज के लिए दिखा रहा हूँ कि पूजा कर रहा हूँ, पूजा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं है, मैं डेली करता हूँ, डेली नहाने के बाद हमेशा। दिवाली भी है तो दिवाली का भी आपको दिखा देता हूँ आराम से, मतलब जब पूजा कर रहा हूँ तो ठीक है। तो इसलिए ना ये मत समझना कि मैं फेक हूँ। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि हम क्या क्या सर्व कर रहे हैं, जैसे कोई भी आ रहा है हमारे घर पे मेहमान, पहले ये गुड़, इसमें साइड में लेयर होती है और मीठा होता है, बहुत बढ़िया होता है खाने में, ज़्यादा खाया नहीं जाता क्योंकि मीठा होता है। फिर ये क्रंची हमारे कुरकुरे मिक्स, और ये है नमकीन, सबसे बढ़िया लगती है वाली, और बाकी जैसे भुजिया भुजिया टाइप होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मेरे को, ये वाली बढ़िया है बेस्ट। फिर उसके बाद है फ्रूटी, फ्रूटी दे रहे हैं, अब रोटी मैं साइड में पिए जा रहा हूँ, पीते जा रहा हूँ, और एक मैंने खाली कर दी, पी लीजिए, उसमें नई वाली से नहीं पुरानी वाली से थोड़ा थोड़ा करके साइड से ले जा रहा हूँ। तो पकौड़े भी हैं थोड़े से बनाए थे मम्मी ने, तो बस यही चीज़ अभी सर्व कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं। और यहाँ देखो बनी एक कुकी का, यहाँ पर मस्ती हो रही है इधर, हाँ भाई बस कुकी इधर। तो यार आप सब बोल रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों पहना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर इन शरीफ कुकी और इसके नीचे है बनी, इन दोनों शरीफ के लिए कुछ खाना लेके आ रहा हूँ, वो मूली के पत्ते फटाफट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इनको लग रही है शायद भूख, क्योंकि इनको लग रही है भूख, तो यार इनको भूख लग रही है, फटाफट इनके लिए मैं लेके आता हूँ मूली के पत्ते, शायद ही मिले मेरे हिसाब से, क्योंकि दुकानें और शॉप जो भी होंगी सब बंद हो रही होंगी, तो शायद रेडी वाले जो मतलब होते हैं सिर्फ वो शायद दे दें, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ मैं लेने के लिए, मेरे हिसाब से उन्हें शायद ही होगा यार, चलो ठीक है फिर ले आता हूँ, क्योंकि इनके लिए ना फ्रेश ही लाना पड़ता है हमेशा, तो जाता हूँ फटाफट। तो यार मम्मी ले आए इनके लिए, और अलग से पत्ते भी दे दिए मैंने जैसे बोला ना, हाँ पत्ते भी यार दिए उसने, नहीं नहीं इतने जितने दे दिए, बाकी बनी कुकी के लिए हो गए, इनको सबसे पहले हम धो देंगे तब देंगे उनके पास। और आप ऐसे क्या बना रहे हो? पनीर, मतलब कैसे पनीर हो? चावल के साथ कैसे में? पनीर बना रही हूँ, रोटी मखानी में चावल मखानी। पापा ये क्या चल रहा है केजरीवाल का? किस चीज़ की? राम मंदिर में दिवाली पूजा कर रहा है। अच्छा अक्षरधाम मंदिर में,
नहीं मेरे को वो दिखा, क्या नाम है कुमार विश्वास, क्या नाम है उसका, सिसोदिया, सिसोदिया, हाँ मनीष सिसोदिया कह रहा हूँ, वो दिखा इनकी अभी पूजा चल रही है। तो यार तुम्हें दिखाता हूँ, देखो धुआं होने लग गया, लोग तब भी नहीं मान रहे, लोग क्या बच्चे। तो यार मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि बाहर का क्या हाल। एक बारी ध्यान से आवाज सुनो, दिख रहा है कल बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, है ना, और अब देखो धनाधन धनाधन धनाधन। मुझे पता था दिल्ली वाले नहीं मानते, नहीं मानते क्योंकि हम भी उधर ही रहते हैं, जितना भी बोल लो। दिल्ली में भी नहीं फूट रहे क्योंकि अभी 8:30 बज रहे, इसके बाद करते हैं फूटना स्टार्ट बच्चे सभी के सभी, पहले हम भी ऐसे ही फूटते थे हम। तो यार यहाँ पर शेर मुंडे आ चुके हैं, शेर मुंडे देख रहे हो, पर ये शायद बम नहीं फोड़ रहे, शायद बर्थडे लग रहा है किसी का, या तो मिठाई दे रहे हैं। और नीचे बड़े पापा अभी वो स्कूटी को अरेंजमेंट कर रहे थे सही से लगाने की, अभी फंगल भाई ने लगा रखी ना गाड़ी टेढ़ी, तो उसको भी सही से अरेंजमेंट कर रहा है। देखो फोड़ना स्टार्ट, ये देखो शुरू हो गया बम फोड़ने का, देख रहा आवाज लगानी पड़ेगी, नहीं खुशी बम। सब के सब फोड़ने में लगे हुए हैं, ये देखिए बम फोड़ रहे हैं, वही वही यार। मेरे को वैसे पता नहीं था कि दिवाली की टाइमिंग है, तो मेरे को भी भाई ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पप्पू ने, तो बताइए क्या टाइमिंग है वैसे, 2 घंटे की, क्या है 2 घंटे की टाइमिंग है, 2 घंटे की, और कितने बजे से कितने बजे तक, 6 से 8 बजे तक। और कुछ मैंने जेल का सुना था, क्या था, 1.5 साल से 6 साल तक की जेल है अगर कोई पकड़ा जाता है बम जलाते हुए, बट लॉ बनते हैं तो कोई जो भी मतलब होगा ना पकड़ा जाएगा, अगर उसके बाद जो भी फोड़ेगा बम उसकी हो जाएगी जेल। 2 घंटे तक देखना ऐसे बम फटाके फूटेंगे, है पापा, पापा 2 घंटे तक मैंने सुना फूट रहे फूटेंगे भाई, यहीं का ये तभी तो देखो ना, अभी 8:30 बजे से शुरू हो गए इधर की साइड, तभी देखो 8:30 बजे से शुरू हो गए। तो यार नीचे चाउमीन बना रखा था तो मैं हल्का फुल्का खा लेता हूँ, सही हो रहा बढ़िया। तो अभी मम्मी ने मसाला चावल बना रखा है और पनीर, तब तक हम देखते हैं मसाला चावल और पनीर बना नहीं बना, मसाला पनीर होगा ये, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना दी मम्मी ने, बाकी चावल में खाने में बड़ा मजा आएगा। नहीं तो मम्मी कहती कि चावल पनीर बनाने के लिए बताओ मसाला पनीर चावल, तो मैंने बोला नहीं आप पनीर बना दो, वैसे चावल खाने में मजा आएगा क्योंकि दिन के चावल बच गए थे। देखो शरीफ की तो मैं चोजा चोजा, आप सब भी कहने वाले हो कि मास्क क्यों पहना हुआ, वो भी मैंने अपनी छत में, तो भाई उसका रीजन ये है, अब आवाज ध्यान से सुनो, यहाँ पर आसपास सब बम फोड़ने लग गए सब के सब, पर आवाज सुन रहेगा क्योंकि भाई मैं भी जैसे छत में आया, भाई के साथ था मैं, तो मम्मी भी थी उस टाइम छत में, भैया इतनी धूल लग रही है भाई ना, पूरी धूल धूल जा रही है, पता है अभी बम फोड़ रहे थे मतलब यहाँ पर बाहर क्रैकर चला रहे थे, तो पूरी धूल मिट्टी लग रही थी मेरे को मुंह पे, तभी यार मैंने क्या करा अपना मास्क पहन लिया हूँ, छत में भी जरा घूम भी रहा हूँ ना तो मास्क पहन के, तो मुझे पता है बहुत बुरी हालत होने वाली है कल यार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत, 1-2 घंटे की जो परमिशन होगी भी या नहीं भी होगी मतलब कन्फर्म नहीं है, भाई कह तो रहा था कन्फर्म नहीं है, तो भाई उसमें भी देखना हालत खराब होने वाली पक्का, सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही ऐसा फोड़ के रख देंगे। और एक ही बताता हूँ अभी ऐसा है होना है सब कुछ खास आ गया आवाज़ से है मतलब चलने की कोई नहीं, बाकी लगा मेरे को जब कोई होगा साइड से ही गया मेरे को पता नहीं यार। और यार एक चीज़ और तुम्हें बताने की, शायद मुझे लग रहा है क्योंकि हमेशा का ऐसा होता है रात 11:30-11 बजे के टाइम कोई ना कोई पूरी लड़ी नहीं होती लंबी वाली वो फोड़ते हैं, लड़ी समझ रहे हो क्या बम की जो मुर्गा छाप कहते हैं जिसे, है ना कॉमनली वर्ड है, तो वही मुझे लग रहा है रात के 11-12 बजे के टाइम हमेशा एक ना एक बंदा फोड़ता है, मेरे हिसाब से कोई ना कोई फोड़ेगा, चाहे बैन भी हो क्या बोल सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत जने होते हैं ऐसे करने वाले पक्का देख लेना, मेरे हिसाब से अगर हुआ तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा ठीक है, तो देखना। और मैं अभी खाने के लिए जाता हूँ, वो देखो वहाँ पर बम फूटने लग गए, तो ये देखो हमारे घर में तो नहीं गिर रहा, बाप
ओए भाई हमारे घर में गिर रहा है यार। भाई नीचे जाना पड़ेगा। ओए नीचे है भाई, नी पर ही गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, दो तीन गिरे वही तो देख छत में ही गिर रहा है पूरा। ओल हिलो ते हाल है तेले ठीक है, इसको चलाना है। ओए भाग जाना भाग जाना। अरे मेरे को नहीं आता चलाना यार, वो मत्ती लग रही है, चला दो। देख वो तो नहीं दिया, अरे फिर उसको छील के कर ऊपर से आगे का, आगे का छील उससे पहले इधर। ये देखो पहले हमारी भी यही आदत थी, आगे का छील पहले कि बिना छीले बस ऐसी दिए में देते थे तेले। अरे हम पहले ऐसे करते हैं तेरी तरह, दिखा ये लिया साबुत और सीधा लगा दिया, ले फुट गया भाई मुंह में, फुट जाता था इसे पहले पूरा छीला कर आगे का। हाँ अब निकाल और अच्छे से कर, दिखा दिखा अच्छे से। सारा फूट रहा है घर में, नीचे ज्यादा फूट रहा है ना। क्या कर रहा है पकड़ ले, अब लगा दिखा दिखा ले, तू ही लगा, मैं नहीं, मेरे को पकड़, तू को पकड़ इधर ला, इधर ला। डेढ़ सौ लग रहा है, डेढ़ सौ लग रहा है, देखे ना मुझे देख, मेरी बस की नहीं ले। क्या है रे? तो यार उसको मना कर रहे थे तब भी वो फोड़ रहा था बम, इसीलिए क्या हुआ कि पापा आए उसको लेके चले गए, और ये देखो यहीं पर छत में ही फोड़ रहे हैं। ये देखो हम नीचे आ रहा है घर में। हाँ ऊपर देखो धुआं, देखो भाई क्या धुआं हो रहा है भाई। एक रह गया था पटाखा मेरे पास, कह रहा आप जलाओ जलाओ, मैं तू जला। ये देखो ऐसे दिमाग लगा रहा हमें तेरे, के आप जलाओ। अब आए हमें छत से नीचे, 11 बज रहे हैं और मैं खाता हूँ खाना। अरे ऊपर सुनील भाई के साथ बात कर रहा था जरा मैं। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल का मैं दिखाऊंगा पूरा कैसा हो रखा होगा बाहर, अगर दिखा तो पक्का दिखाऊंगा। ठीक है तो आप सबको भी हैप्पी दिवाली, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सभी को। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।